अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रासल खैमा में मौजूद हूँ आज। और मैं निकला था तकरीबन को 3:30 बजे शारजा से दोस्तों के साथ। मैं आपको पता है कि मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज अदा करता हूँ रोज़ाना, और उसके व्लॉग बनाता हूँ। सदाए खैर चैनल पर आपको रोज़ाना मसाजिद मिलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्लीज़ ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे हिस्से में जब तक मेरे सांस चल रहे हैं मेरी ये ड्यूटी लगाए रखे। खुदा की कसम, इतना सुकून और इतना आराम मुयस्सर होता है। मुझे लोग पूछते हैं ये रोज़ाना नई नई मस्जिदों में जाके नमाज कैसे क्यों अदा करते हो, क्या वजह है? मैंने कहा अपना अपना ज़ौक है, अपना अपना शौक़ है। आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आज मेरे दोस्त राशिद कमाल और हामिद रंगीला साहब और अकबर बदली साहब, ये पहले भी खुरफकान एक मस्जिद में मेरे साथ गए थे और आज फिर ये निकले हैं। इन्होंने कहा जी हमें भी साथ लेते जाइए ज़िया भाई, और हम भी इकट्ठे आपके साथ फजर की नमाज़ अदा करेंगे। मैं रासल खैमा में मौजूद हूँ इस वक्त और पहुँच चुका हूँ तकरीबन यहाँ से 5-7 मिनट दूर है मस्जिद। चाय अंदर पी रहे हैं वो, मैं अंदर चल के दिखाता हूँ आपको कि ये कर क्या रहे हैं। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम दोस्तों को, देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो ये चाय सुबह 4:30 बजे चाय का मूड, वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैसल खामा रासल खैमा चढ़ दे। अकबर बदली साहब मोहतरम, हम थोड़ी सी दूरी पर हैं मस्जिद की, इंशाल्लाह चाय पी लें। लेकिन बर्बाद उन क्यों? चाह माठी उन, माफी सुनीली उन, अच्छी उन, और किसी और साथ भी पींदा उन चाह। अच्छा माठी नहीं, फर्क चाह है। अच्छा मेनू तो और राशन तो बड़ी पसंद आई है चाह जी। वाह वाह, क्यों जी? 4:30 बजे अगर तुम चाह मिल जाती है ठीक है, ठीक ही है, बिल्कुल सही गल। और इतने बंदा ये भी बहाना ला सकता कि मैं तो चाह दे भांडे लेना है, क्योंकि अगले गंदे ही है दे विच। सही गल है। तुहानू क्यों माठी लगदी पी जी? बस ही असल में ज्यादा हार्डली अच्छी पीने ना पका के। अच्छा ये पक्की दी नहीं? ये सही पक्की है, पानी और ज्यादा है। पानी वाली चाय है तो तुसी दूध दूध पत्ती पी लंदे? चलो फिर भी ठीक है भाई जी। मैं पीऊँगा ग्रीन टी और मैं चाय बिल्कुल नहीं पीता, और ये अक्सर मुझसे लड़ते हैं कि आप चाय क्यों नहीं पीते। मैंने कहा मैं कॉफ़ी पीता हूँ या ग्रीन टी पीता हूँ, तो ग्रीन टी इंजॉय करते हैं और उसके बाद हमारा सफ़र जो है ना फिर शुरू होगा। चाय पी लिया इन दोनों ने और आप देखें आकड़ मड़ोनियाँ किस तरह कर दे मैंने, तौबा या अल्लाह। बदली मजा आ गया जी, है ना? हल्की हल्की ठंड, हल्की हल्की ठंड, ठंड पुरसकून माहौल। मोटर बाइक किन्ने दी होनी है मुन्नू की पता है? किन्ने दी है? डिलीवरी बाइक है लेकिन होंडा दी है। किस्तां ते लभ जांदी है 10,000 रुपया। इत्थे किस्तां कुस्तां ते नहीं लभदी है, पाकिस्तानी बंदे ने चामी जा रहे ने सानू। इत्थे किस्त शॉर्ट होवे ते एडा बुरा अगले नु सजा दिंदे ने ना, पैसे भी लंदे। अजान होण वाली है, निकली है, चलो चलो जी। जी तो दोस्तों हम अपनी मंजिल के करीब, ये लेफ्ट साइड पर आपको जो रेड कलर की खूबसूरत लाइट नजर आ रही है माशाल्लाह, आज हमारी ये मंजिल समंदर के किनारे पर। और व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू माशाल्लाह, रियली मैं बयान नहीं कर सकता इसकी खूबसूरती। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें, ये सामने उस तरफ समंदर है और ये इसकी बैक साइड पे है, साइड व्यू है, और ये दरख्तों के दरमियान माशाल्लाह, ये इसका फ्रंट व्यू है, देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत। और गाड़ी पार्क करता हूं और फिर मैं आपको तफसील से दिखाता हूं थोड़ी देर में, 15 मिनट हैं अभी तो इंशाल्लाह गाड़ी पार्क करते हैं। रंगीला साहब भी पहुंच गए हैं, हामिद रंगीला साहब मेरे साथ, और हम मस्जिद की फ्रंट साइड पे अब मैं आपको लेके जाता हूं। ये देखें माशाल्लाह इसकी सीढ़ियाँ, थोड़ा सा रोशनी होगी ना तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको दिखा पाऊँगा ये मस्जिद। इस वक्त मैं ऊपर जाता हूँ आपको लेकर, ये इसका सहन है, ये दोस्तों इसका बरामदा है बाहर से। थोड़ी देर में जब सूरज की लाइट आती है तो फिर मैं तफसील से आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों मस्जिद में दाखिल होते ही इतने सुतून हैं इस मस्जिद में,
ये देखें रासल खैमा की 200 साल पुरानी ये मस्जिद है। ये जगह औरतों के लिए बनाई गई है वो बता रहे हैं, और मैं आपको इसके सेंटर में दिखाता हूँ। देखें माशाल्लाह ब्यूटीफुल, इसका छत उसी तरह रखा गया। उसको अकबर बदली भाई मेरे साथ नमाज फजर अदा करने आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं। अकबर भाई कितना सुकून है माशाल्लाह। बहुत सुकून है, बहुत आते ही ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई ऐसी जगह पे आए हैं कि जो बहुत ही कीमती और नायाब। सुभान अल्लाह, देखे ना खुशबू आ रही है वो एक मट्टी की जैसे होती है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। राशिद कमाल भाई, आज इस मस्जिद में नमाज अदा करके क्या फील किया आपने? आज इस मस्जिद में नमाज पढ़ के मैंने तो बहुत अच्छा फील किया, क्योंकि फजर की नमाज में एक वैसे सुकून, तो जो लोग नींद से उठ के फजर की नमाज पढ़ते हैं उसका अल्लाह ताला बहुत ज्यादा अजर देता है। ऐसा ही, लेकिन हम तो आज जाग रहे थे तो... और 200 साल पुरानी मस्जिद में आज ये अल्लाह ने तौफीक बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सामने हमारे ये जो समंदर है, ओहो ये इसका क्या खूबसूरत माशाल्लाह नजारा है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये ड्राई फिश ये देखें दोस्तों इस मस्जिद के पास इतनी बिल्लियां, इतनी बिल्लियां है माशाल्लाह। और मस्जिद नबवी में भी आपने बहुत सारी बिल्लियां देखी होंगी। ये देखें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, हर किस्म का कलर है, देख ब्लैक वाइट, और ये देखें माशाल्लाह पूरे कलर की। ये हमारे बंदे कहाँ चले गए नमाज पढ़ने के बाद, ये कहाँ भाग गए? चले मैं ढूंढता हूँ इन्हें। वो देखें आपको दो लोग नजर आ रहे हैं समंदर किनारे, ये देखें, ये देखें रगीला साहब, और ये देखें राशिद कमाल और अकबर बदली, ये क्या कर रहे हैं चल के देखते हैं। ये इन तीनों के काम चेक करें आप। राशिद भाई की लभदे पे होए थे? सूरज निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सूरज निकल रहा है। सूरज से पहले हमने वो पहाड़ जो है ना वहाँ पे जाना है। कौन सा पहाड़? वो जो नजर आ रहे हैं इधर समुंदर के बिल्कुल सामने। आज लगता सोना नहीं तुसी? नहीं हम सोएंगे, लेकिन वो जो है ना हमने वो मंदिर देखना है सुबह सुबह के पहाड़, और पहाड़ों के अंदर से सूरज जब निकलेगा तो उसका मजा अपना है। ओए होए होए होए। तो अभी जो समुंदर है जो बिल्कुल एक ठहरा सा बना हुआ है इसके ऊपर। कौन सा ठहरा सा बना हुआ है? वो पीछे देखे वो ठहरा है, आगे जो छले आ रही है, छले आ रही हैं, और छले आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है। तो हूँ तो ठंड नहीं भी लगती? अभी नहीं ठंड, मैंने अपना जिस्म गर्म किया, मैंने वीडियो बनाई है भाग के आके। अच्छा भाग के मेरा जिस्म बिल्कुल हीटअप हो गया। हाँ जी रंगीला साहब तुसी किधर है? इधर ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਧਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਈਕ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਲੱਗ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਢਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜੇ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, सिपियां हड़िकियां हड़िकियां सिपियां सिपियां हड़िकियां। ए देखो भाई जाने ना दे काम देखो,
वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खूबसूरत व्यू है इस वक्त सूरज निकलने का माशाल्लाह। रासल खैमा में हम मौजूद हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया नमाज़ पढ़ने आए थे। और अकबर साहब थोड़ा कोई चैनल नहीं? मेरा चैनल है, हाली बंद किया। अच्छा बंद कर छड़िया। यस भाई जान, हूं थोड़ी देर पहले ठंड भी लगती पी सी, हूं कहना ठंड लगती नहीं। समंदर पीछे लेना की मतलब? पीछे समंदर नहीं थे और की है भाई? नहीं समंदर वो तस्वीर में भी आना चाहिए ना समंदर। नहीं तो पीछे की आएगा, तो समंदर नहीं आएगा तो की आएगा? वो नहीं, वो ऐसा हो सकता ना, वो पीछे ब्रल ना हो वो चीजें। अच्छा ब्रल ना हो, बिलर को ब्रल कह, बिल्कुल सही बात है। ब्रल नहीं करना अकबर भाई, ब्रल नहीं करना आपने। तो इस तरह ही असं तुहानू वीडियो आला तो आला बना के दिखाते रहेंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तो बैल का बटन जरूर दबाना है। इस तरह मैं थोड़े लिए अच्छी अच्छी वीडियो लै, बैल दबा के दौड़ जाओ। हाँ बैल दबा के दौड़ जाओ। तो इस तरह नज़ारा तुम समुद्र का देख लो, इस तरह ही जिन्हें बंदे असं आए हैं सारे अपना अपना मोबाइल कट के अपने अपने यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं। आज ज़िया साहब जिन्होंने सब तो पहले सानू फजर की नमाज़ पढ़ा के समुद्र से लैके आए हैं। तो अज का दिन जिहड़ा वा अल्लाह ताला ने सुबह जी बड़ी खूबसूरत दिखाई कि फजर की नमाज़ भी पढ़ी तो नाल असी समुद्र का नज़ारा। आए कितने हैं? आए असी रासल खैमा। वाओ ना याद हो गया नाम। इतनी बारी मैं आने लग्या जो आए ना जी, मैं निकल लग्या काफी बारी गया कि रासल खैमा रासल खैमा रासल खैमा। तो फिर मैं याद होया कि रासल खैमा ये जरा एक मेरे ख्याल अज मैं जी सत्तवी जी संतलत मैं फिर रहा वा सल्तनत रियासत रियासत किन्ना ए नंबर किन्नवा वा जी? सतवां सतवां नंबर आ। तो मैं जड़िया पांच रियासत फिर लिया ने, पांच रियासत तो बाद अगलिया जड़िया मैं रियासत फिरंगा, ते दो मेरिया रह गई इंशाल्लाह। वो भी मैं इतने हाँ तो इंशाल्लाह जावे रियासत। ये दोस्तों अब मैं आपको सूरज निकलता हुआ दिखाता हूँ इसी मस्जिद के पास। ये देखें ये इस मस्जिद की दीवार ये वाली, और ये इस वक्त सूरज जो है वो तुलू हो रहा है माशाल्लाह। सुबह सुबह सूरज की किरणें, सुभान अल्लाह सुभान तेरी कुदरत, वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल व्यू ब्यूटीफुल व्यू। शुक्र है गड्डी च आ गए हैं, बहुत ठंड सी, ठंडी हवा, कान ठर गए ने यकीन करो। तौबा तौबा तौबा। हेलो समुद्र पे चला सकते हैं? केड़े कागज ने? केड़े कागज? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह शाह भाई राशिद भाई। हां जी सलाम अलैकुम। ठंड तो नहीं है की बार भाई? यार ठंड बहुत ज्यादा वा, मैं तो ठीक है आपकी नहीं पता। नहीं तू सिर्फ कहंदे पे ओथे लगदी नहीं भी मेनू ठंड बड़ी तकलीफ ना समुद्र ओ मैं सिपियां नाल बन के लैन देनी उनो मेनू चाहिदियां ने। अच्छा सिपियां चाहिदियां ने की कार डेकोरेशन पीस लाने ने तुसा? बदरी साहब जी सर तुसी की कहंदे पे हो? असी एवें गुनगुनाज रहे हैं। गुनगुनाज रहे हैं? चलो जी भाई। ओए बड़ी ठंड है यार, बात निंग हो गया ना यार, थोड़ी सी निमको चेक कर ली सारे यार। निमको चेक करो, बिल्कुल निमको खोलो, निमको खोलो नार पानी पियो। कॉफी चाह पीने नाश्ता की करना जी? चले भाई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं? नहीं मैं तो क्या जमानो कहते इथो करना, इथो करने रासल खैमे भी करने नाश्ता, इथो भी मिलेगी सर सब कुछ मिलेगा। ठीक है ओके चलो बेहतरीन, बिस्मिल्ला करो फिर। कैसी है जी निमको? नंबर वन अब दुर्गा नु भी दियो। मेरे हाथ नहीं धोते मैं नहीं। अच्छा चलो ठीक है, सिपियां सुपियां फड़ियां सी ना। चलो जी नाश्ता करन चलिए। चलो जी बिस्मिल्लाह जी। की मौले ने? मौले ने रस लिखा मां देख लिया, रस लिखा मां देख लिया।
ਰਸਲ ਖਾਮਾ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ 5:30-6 ਬੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਬੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਕੇ ਪਰਾਠੇ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਇੰਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਮ ਆਇਲ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆਹ ਕਾਲ ਕਲਮ ਕੀ ਮੈਂ ਸਭ ਇੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸੜੋ ਆਲੂ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕਰਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਲਓ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਣੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਚਣੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਦਾ ਨਾਲ ਵਲੌਗ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਸਾਲਨ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਫੂਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓ ਹੋ 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 ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓ ਹੋ 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 ਮਲਾਈ ਚਣੇ ਨੇ ਮਲਾਈ ਚਣੇ ਚਲੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਚਣੇ ਪਰਾਠੇ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੀਂਦ ਮੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਸੋਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਚਾਏ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਕੜਕ ਚਾਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੜਕ ਚਾਏ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਸੜੂਪੇ ਲਗਾਤੇ ਲਗਾਤੇ ਅਬ ਹਮ ਵਾਪਿਸ ਘਰ ਜਾਏਂਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਫਜਰ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੇ ਲੇਕਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਾ ਪਰਾਂਠੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਚਾਏ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਪਕੀ ਬਾਈ ਜਾਨ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਈ ਚਾਏ ਜੀ ਚਾਏ ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਚਾਏ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਸੁਰੀਲੀ ਭਾਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀਆਈਪੀ ਮਾਲ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਲਾ ਚਾਏ ਆਲਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਏ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਡ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆ ਗਈ ਚਾਏ ਅੱਛੀ ਹੈ ਚਾਏ ਨਹੀਂ ਪੀ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਸੁਰੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਲਾ ਵੱਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੇ ਸਾਥ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂ ਦਮ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵਾ 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 ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਚਲੋ ਜੀ